लाहौर हाईकोर्ट में फरहत शहजादी के बच्चों का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम पर रुजू करने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट में फरहत शहजादी के बच्चों का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम पर रुजू करने की हिदायत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, फरहत शहजादी के बच्चों का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार वजारत दाखिला में कायम कमेटी से रुजू करे। सरकारी वकील का ये कहना था, कमेटी इस हवाले से तमाम मामलात को देख रही है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV लाहौर शादाब रियाज से। शादाब रियाज, इस समाज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फराह खान के बच्चों का नाम ECL से निकलवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत की है। दरख्वास्त गुजार वजारत दाखिला में क्राइम कमेटी से रुजू कर रहे सरकारी वकील का ये कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी इस हवाले से तमाम मामलात को देख रही है, आप मुतलका अथॉरिटी से रुजू करके करें, अगर मुतमईन ना हो तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस रसाल हसन सैयद का ये कहना था, अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सीनियर कौंसल अजहर सदीक की मशावरत के लिए इससे मशावरत की मोहलत दे दी। वजारत दाखिला में कायम कमेटी में जाएंगे, आप मुतमईन ना हुए तो इधर वापस आ जाए, अदालत की जानिब से ये कहा गया। जी